तो चलिए हम कर रहे हैं कंज्यूम, अपनी कौन सी वेब सर्विस सॉरी कौन सी एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं हम, न्यूज एपीआई। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इस तरह से अपना पेज डिजाइन करना चाहते हैं। आपने देख लिया कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एपीआई की हमें मिल चुकी है और हमने पोस्टमैन पे जाकर या वहां से डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लिया न्यूज एपीआई का, किस तरह से देखिए ये मेरे सामने न्यूज एपीआई है। इस वाली सर्विस को हम यूज करना चाहते हैं, इसमें क्यू इक्वल टू टेस्ला लिखा हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ अपना डेटा चेंज करेंगे और डेट चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। इस तरह से डेटा आएगा और यहां से हम डेटा को फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट अ पेज वेयर वी टाइप एनी कीवर्ड, कुछ भी कीवर्ड आपको यहां पे टाइप कराना है और देन हम यहां पे बनाएंगे सर्च। जैसे ही सर्च पे क्लिक करें हम, वैसे ही यहां पर जो टॉप न्यूज होंगे, जो भी न्यूज आ रही हैं, आप चाहें तो सारी दिखा दें, आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास डेटा आ जाएगा। अब आप उसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बदल दीजिए, उस एरे को पूरा निकाल लीजिए, काउंट कर लीजिए, आपको टॉप 10 दिखाने तो 10 दिखाए, जितने भी आपको दिखाने, इस तरह से ब्लॉक बना लीजिए। मतलब ये क्या हो जाएंगे हमारे कार्ड्स, बूटस्ट्रैप कार्ड। यहाँ पर आप इमेज दिखा दीजिए, इमेज वहाँ से इमेज का पाथ आएगा, देन यहाँ पे आप टाइटल दिखाइए, टाइटल के बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एंड व्यू मोर का यहाँ पे बटन दे दीजिए। व्यू मोर क्लिक करें तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके पूरी इमेज हमारे पास मिल जाए, पूरी न्यूज़ मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पर आपका इमेज, देन आपके न्यूज़ का टाइटल एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, देन व्यू मोर, मोर पे क्लिक करेंगे सो रिलेटेड वेबसाइट में चले जाएंगे। हमें तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पे इमेजेस दिखानी है और देन टाइटल, जिस तरह से हम ब्लॉग दिखा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा पेज का डिज़ाइन होने वाला है। ठीक है, दिस विल बी द डिज़ाइन ऑफ आवर पेज। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं हम, तो हमने क्या लिखा, कंज्यूमिंग न्यूज एपीआई तो रजिस्टर विथ न्यूज एपीआई डॉट ओआरजी, ये हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप निकाला पहला है, इसको बड़े आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे स्टडी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फाइंड योर एपीआई की, ये भी हमें मिल गई। फाइंड द एपीआई, That means URL how to fetch get the news, आपने देखा। और यहां पर basically क्या होने वाला है, you will find response in the form of, in the form of JSON data। JSON तो पता ही आपको, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, वहां नहीं उलझना। JSON data में आपको form में response मिलेगा। Now create a web page and create jQuery AJAX method, jQuery AJAX method to load the news। JSON को आपने लोड कर लिया न्यूज को, अब आपके पास जब न्यूज आएगी तो आपको क्या करना होगा, पार्स करना होगा, पार्स इन द फॉर्म ऑफ JavaScript ऑब्जेक्ट और एरे, क्योंकि वो सारा सारा स्ट्रिंग रहेगा ना, जो भी आ रहा है मेरा पास JSON में सबका सब स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट में कर लीजिए। नाउ यूज लूप एंड show in appropriate form format, देखते जाइए करके दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पेज बना लेता हूं मैं, चलिए पेज बना लेता हूं। तो मैं गया वेब पेज पर, पहले सिंपल पेज बना लेते हैं भाई,
ठीक है, फिर हम अपने उस होम पेज पर इंडेक्स वाले पेज पर सारा कुछ करके दिखाएंगे। ये टेस्ट के अंदर ही हम टेस्टिंग आपकी चली रही है। अब इस टेस्ट वाले पर जाइए और एक बनाइए नया जेएसपी पेज। जेएसपी पेज हमने बना दिया न्यूज, न्यूज एपीआई नाम ही मैंने इसका न्यूज एपीआई रख दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले भी ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए बूटस्ट्रैप सीडी है, बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने से अच्छा ये है कि जब आपको तुरंत जरूरत है बूटस्ट्रैप की तो आप सीधे सीडीएन यूज करिए, जेक्वेरी का सीडीएन। जेक्वेरी तो हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, बूटस्ट्रैप का सीडीएन ये मिल जाएगा आपको, यार इज द सीडीएन ऑफ बूटस्ट्रैप। सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर पेज के टाइटल पे गया और टाइटल के बाद हमने इसको किया पेस्ट। बूटस्ट्रैप का सीडीएन आ गया। अब देखिए हमें करना होगा जेक्वेरी का, जेक्वेरी को लिंक करना होगा। तो हमने लिखा स्क्रिप्ट src इक्वल टू डॉट डॉट स्लैश, हमने कहा रखी हुई जेक्वेरी, हमने एसेट्स के अंदर js में जाकर जेक्वेरी मिन डॉट js, ये हमारी जेक्वेरी की फाइल हो गई। तो जो फंक्शन अजाक्स लगाएंगे उसके लिए हमें जेक्वेरी की जरूरत पड़ने वाली है। बूटस्ट्रैप सिर्फ हमने लुक एंड फील के लिए लगाया है। बूटस्ट्रैप लगाया तो आपको पता है कि यहाँ सबसे पहले टॉप पर आपको एक डिव बनाना होगा जिसका क्लास इक्वल टू क्या रखना आपको, कंटेनर। ठीक है, क्लास इक्वल टू कंटेनर। देन आपका दूसरा डिवीजन बनने वाला है जिसकी क्लास होने वाली है रो, एंड इस रो के अंदर एक डिव बनाया हमने कोड, सॉरी डिव क्लास इक्वल टू कोल एंड कोल MD12। पूरे पे मुझे कॉलम दिखाना है और इसी कॉलम पर हमने बना लिया एंटर कीवर्ड। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम मैंने कीवर्ड दे दिया, आईडी भी कीवर्ड ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू कीवर्ड। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया। और इसके बाद हमें बनानी है एक सिंपल सी बटन बना लेनी सर्च की, या तो सर्च की बटन बना लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं सर्च का आइकन लगा देते हैं। अब आइकन भी लगा सकते हैं बट अभी मैंने आइकन नहीं लगाया, मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, आईडी इक्वल टू बटन वन, वैल्यू इक्वल टू सर्च और लोड न्यूज। ठीक है, ये मैंने बटन बनाया और इस डिवीजन का काम यहाँ पे खत्म हुआ। इस डिवीजन के बाद जैसे मैं नेक्स्ट करूँ क्लिक करूँ तो एक नया डिवीजन शुरू होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस रो को किया खत्म, रो के बाद मैंने पूरा का पूरा ये वाला जो रो वाला सेक्शन है नया नीचे बना दिया, रो फिनिश हो गई। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और यहाँ पर div क्लास इक्वल टू क्या बनाया, मतलब ये जो नीचे वाला डिवीजन होगा यहाँ पर आपकी न्यूज क्या करानी है, लोड करानी मुझे। रिज्यूम करते जाइए, डिजाइन बिल्कुल मैंने ऐसे ही बना ली है, ऐसी कैसी डिजाइन बना ली है। दैट मीन्स यहाँ पर कीवर्ड वाला सेक्शन बन चुका है, यहाँ पर ये बटन, सॉरी टेक्स्ट फील्ड बन गया, बटन बन गया। यहाँ पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, देन जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो मुझे न्यूज लोड करानी है एपीआई का यूज करके। मतलब अब यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करें सो यूजिंग द एपीआई इट विल गेट द न्यूज फ्रॉम द सर्वर ऑफ newsapi.org, किसी और सर्वर से न्यूज लेके आएगा। ये हमें नहीं पता, ये न्यूज एपीआई को पता है कैसे लेके आएगा। हम तो केवल वो यूआरएल लिखेंगे, यूआरएल पे कीवर्ड भेज देंगे, डेटा आएगा, डेटा जेसन पे आएगा, जो डेटा जेसन पे आएगा उसे यहाँ पर इस तरह से कार्ड के फॉर्मेट में, दीज आर द कार्ड्स, इस कार्ड्स के फॉर्मेट में मुझे शो कर देना है। ठीक है, देखते हैं मेरा एप्लीकेशन रन हुआ कि नहीं।
वेट कर लेते हैं कि पोस्टमैन मैंने आपको बता ही दिया किस काम में आएगा। अगर आपको कभी किसी वेबसाइट से डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो, नहीं मिल पाए, तो चेक करने के लिए आप पोस्टमैन का यूज़ करिए और यहाँ पे आप उस URL को पेस्ट कर दीजिए। अगर वो गेट वाला दे रहा, अगर वो पोस्ट वाला दे रहा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्टमैन में देखिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, पोस्टमैन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बट फिर भी बता दूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो जिस तरह का सर्विस प्रोवाइडर और जो भी रिक्वेस्ट टाइप बता रहा है आपको, आप वही सेलेक्ट करिए और देन यहाँ पर आप उसे सेंड करिए रिक्वेस्ट को। जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पर करिए। अगर न्यूज़ यहाँ पे बदलनी, जैसे मैंने यहाँ पे जियो डाल दिया, जियो के अलावा जो भी डालना है तो आप डालिए और देखिए रिस्पॉन्स में क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बन गया पहला पेज। यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च टाइप करना है और सर्च करना लोड न्यूज़ को, और यहाँ पर न्यूज़ आनी चाहिए। अब आते हैं हम कंज्यूमिंग वाले सेक्शन पर। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर न्यूज़ आनी चाहिए, और न्यूज़ किस फॉर्मेट में आनी चाहिए? मल्टीपल, मोर देन वन, क्या आनी चाहिए? कार्ड आनी चाहिए, कार्ड। तो हम बूटस्ट्रैप कार्ड वाला डेटा भी उठा लेते हैं, एक कार्ड हम बना के रख लेते हैं, देन जितनी भी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी हम लूप लगा कर उसे शो कर देंगे। बूटस्ट्रैप कार्ड, देखिए ये रहा कार्ड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इस कार्ड का कोड मुझे मिल जाएगा ट्राई इट योरसेल्फ में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नीचे जाना हमें, और कौन सा वाला लेने, हम एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये है कार्ड। देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल करके दिखाया है इन्होंने, एक में ऊपर इमेज आएगी, देन उसके बाद आपका ये टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, देन सी प्रोफाइल। बिल्कुल यही तो मुझे चाहिए, यहाँ पर टाइटल दिखा देने, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिखा देना, और सी प्रोफाइल या सी प्रोफाइल की जगह पर शो न्यूज़ कर देंगे। तो हमें इसे कर लेना पूरा का पूरा, या तो देखिए अगर मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया होता तो हम ऊपर से पूरा कॉपी कर लेते, बट हमने ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है, तो लिंक करके रखा, तो आई नीड ओनली वन फाइल, दैट इज popper.js, इतनी इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी तो मैं यहाँ पर कंटेनर से लेकर पूरा का पूरा कॉपी कर सकता हूँ, या सिर्फ एक डिवीजन ले लेते हैं। देखिए ये वाला डिवीजन जिस पे कार्ड को दिखाया हुआ है, क्लास इक्वल टू कार्ड लिखा है, ये वाला डिवीजन यहाँ पर मैं उठा लूंगा, क्या होगा भाई, यहां से मैंने ये पूरा डिवीजन कंटेनर के पहले वाला तक, हाँ यहां तक ये पूरा डिवीजन मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया, और इसे मैंने यहां पर इस वाली रो में जो मैंने दूसरे रो बनाया इसको पेस्ट किया। ठीक है, अभी देखते जाइए, जो भी गड़बड़ होगा उसे अपन सही कर लेंगे। एक फाइल नहीं आई होगी popper.js, popper.js मैंने डाउनलोड नहीं की है, या मैंने लिंक भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से हम रन करके देख लेते हैं इतना कि कहां पर हमारा कार्ड दिख रहा है। कार्ड इमेज, कार्ड एक्चुअली इमेज है नहीं, तो कार्ड इमेज नहीं आ रही, बट जॉन डॉ आ रहा है और ये सब कुछ ठीक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे थोड़ा सा बॉर्डर डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेता हूं। ये हमने कार्ड रखा है, क्लास इक्वल टू कार्ड, स्टाइल विड्थ दे दी मैंने, और यहाँ पर 400 पीएक्स के बाद बॉर्डर विड्थ, ये मैंने लिख दिया बॉर्डर, चलिए बॉर्डर विड्थ मैंने दे दिया 2 पीएक्स, स्टाइल दे दी बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल दे दिया, एंड बॉर्डर रेडियस 5 पीएक्स। एंड बॉर्डर स्टाइल नहीं दी मैंने, एक ऑप्शन और आएगा बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू सॉलिड। इक्वल टू नहीं, सॉरी, कोलन। तो देखिए इस तरह से ये एक कार्ड दिख रहा है, अभी ये सिर्फ डमी कार्ड है, डमी है, इसको हम एडिट कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। कार्ड इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेज क्योंकि मेरे पास है नहीं, जब भी लोड होगा तो इमेज आ जाएगा, न्यूज़ वाले साइट से हम इमेज यहाँ पर दिखा देंगे।
So this is the format what we want to load. ठीक है, ये फॉर्मेट है भाई, इस तरह से मुझे डेटा चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। जैसे ही बटन इस जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, वैसे ही मुझे रिक्वेस्ट डालनी है सर्वर के पास और डेटा लेके आना है। तो देखिए, हमने jQuery लगाई, jQuery कहाँ लगाते हैं, एट द लास्ट ऑफ पेज, एट द एंड ऑफ पेज हमने लिखा स्क्रिप्ट एंड डॉलर, बटन का नेम मैंने क्या लिया वो भाई हैश b1। एक मिनट, लैंग्वेज जरा चेंज कर लूं। हैश बटन वन डॉट क्लिक फंक्शन। यहाँ पे लोडिंग इमेज वाला भी कॉन्सेप्ट आप चाहें तो लगा सकते हैं, जब तक वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा तब तक वहां पर लोडिंग इमेज दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं डिवीजन पे हमें, वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप खुद से लगा सकते हैं या फिर मैं लास्ट में लगाऊंगा, अभी चुपचाप देखते रहिए। तो मैंने बटन वन पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो एक फंक्शन चलना चाहिए और वो क्या करेगा, डॉट गेट चलाएगा, क्योंकि हमने जो वहां से URL मिला है हमें API, वो कौन से मिले, गेट मिले, तो हम यहाँ पे गेट करेंगे। गेट में क्या क्या भेजना है भाई, आपको पता है यहाँ पर आपको URL भेजना होगा, देन आपको यहाँ डेटा भेजना है, और देन यहाँ से आपका मिलेगा फंक्शन, कौन सा, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें आपको मिलेगा रिजल्ट एंड स्टेटस, ये आपको मिलने वाला है। तो URL देखिए, यहाँ जो URL मुझे मिला है उसे आप उठाकर पेस्ट कर दीजिए। URL, अब URL कह रहा है कि, चलिए अब हमें देखना होगा URL किस तरह से हमें मिला हुआ है, न्यूज API, ये बीच वाला कंज्यूम करना, ये पूरा HTTP लिखा हुआ भाई, ये HTTP लिखा, ये कह रहा है कि आपको क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा देना, अलग से कोई डेटा नहीं देना, जो भी डेटा इसके पास आएगा क्वेरी स्ट्रिंग से लेकर आएगा, ठीक है ना। हमने कंट्रोल ही कंट्रोल यहाँ पर इस वाले को कंट्रोल से किया, क्योंकि हम इस वाले रिक्वेस्ट को इस वाले API को कंज्यूम करना चाह रहे हैं। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ URL पर इसे किया पेस्ट, ठीक है, URL पर हमने इसे पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। $get तो भाई ये पूरा का पूरा मैंने URL पे डाल दिया है। अब देखिए चेंज क्या करना है, सिर्फ चेंज ये करना है जहां पर ये Q इक्वल टू टेस्ला लिखा है यहां पर मेरा डेटा आना चाहिए, तो बस आपको यहां चेंज कर देना है टेस्ला की जगह, तो इसको किया डबल कोटेशन बंद प्लस, और टेस्ला के बाद फिर प्लस करके डबल कोटेशन चालू किया, बाकी सब कुछ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मुझे डेटा देना है जो मैं टेक्स्ट फील्ड में डाल रहा हूं, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैंने लिखा हैश, टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या, नेम क्या, कीवर्ड, कीवर्ड डॉट वैल, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू ये पहुंच गया फ्रॉम, अब आपको डेट भी अगर बदलनी है तो डेट बाय डिफॉल्ट आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा लीजिए, बट अभी मैंने डेट नहीं बदली, आज कौन सी तारीख दिखा रहा है 21/6/05, मतलब लास्ट मंथ से अभी तक की न्यूज दिखा देगा, ठीक है, अभी दिखा रहने देता हूं मैं इसको, कहीं कोई चेंज नहीं करना। देन नेक्स्ट पार्ट इज डेटा, डेटा मुझे कुछ भेजना नहीं है अब, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, बचा क्या फंक्शन। अब देखिए फंक्शन है काम का, जैसे मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी देन दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, और वहां से जो भी डेटा आएगा किस पर आएगा, इस रिजल्ट में आकर लोड हो जाएगा, और इस रिजल्ट में जो भी डेटा आया है ये मुझे कहाँ दिखाना है, नीचे इस सेक्शन पे, देखिएगा भाई कहाँ पर, ये जो मैंने जॉन डाउ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उन रिजल्ट्स को लोड करना वन बाई वन, अभी वन बाई वन नहीं, अभी हम पूरा रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अगर मुझे पूरा रिजल्ट देखना क्या आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस वाले डिवीजन का एक आईडी दे देते हैं, ये इस क्लास की, ये क्लास इक्वल टू रू लिखा है, यहाँ पे इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी इसकी दे दी मैंने न्यूज, ठीक है, इसकी आईडी क्या दे दी, न्यूज। तो फिलहाल मैंने इस न्यूज पे उठा के पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दिखा दिया, तो हमने लिखा डॉलर हैश न्यूज डॉट html, इस पर क्या दिखा दो भाई, इस पर दिखा दो रिजल्ट, दैट मीन जो भी वहां से आया चुपचाप दिखा दो, बस हो गया कंज्यूम। अब इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके दिखाना है, एज इट इज नहीं दिखाना है, मुझे इसको प्रॉपरली दिखाना है, ये हमारा टास्क है, लेकिन अभी हम सिर्फ सर्च करना चाह रहे हैं कि इतना अगर मैं कर दूं तो मेरा फंक्शन वर्क करेगा कि नहीं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा जियो और सर्च न्यूज किया,
वेट करेंगे कि यहाँ पे डेटा लोड होगा कि नहीं होगा। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके कि कोई एरर तो नहीं है, लोडिंग इमेज तो हमने दिखाई नहीं अभी। कंसोल पे जाइए, कंसोल पे जाकर देखिए, हाँ एक एरर आ रहा है, द सर्वर रिस्पॉन्ड विथ स्टेटस ऑफ 404। अच्छा ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कर्ली ब्रैकेट न्यूज API 41 पे लगा हुआ है .jsp पर, कर्ली ब्रैकेट कहीं लग गया 41 लाइन पे, देखिए भाई उसको सही करते हैं, 41 लाइन दैट मीन्स ये तो यहीं पर है, यहाँ पे क्यू इक्वल टू लिख दिया, एक मिनट देखते जाते हैं, कीवर्ड हो गया है, कीवर्ड के बाद वैल लिख दिया, वैल के बाद पब्लिश्ड हो गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डबल कोटेशन हो गया, बाद स्टेटस फंक्शन, फंक्शन ये हमारा हुआ फिनिश, ये कर्ली ब्रैकेट काहे का है, बटन वन डॉट क्लिक फंक्शन, हाँ इसके बाद फंक्शन के बाद ये बटन वन का ब्रैकेट हो जाएगा बंद। रिफ्रेश किया, अगेन यहाँ जियो डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं, अभी तो मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी डालकर, और सर्च न्यूज किया, अभी भी अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा रहा है भाई, न्यूज API GSP 41 कहाँ दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर कहाँ दिक्कत हो रही है। अच्छा B1 डॉट क्लिक फंक्शन, ओहो यहाँ गड़बड़ हो, B1 डॉट क्लिक फंक्शन के बाद ये कर्ली ब्रैकेट शुरू है, ये हमने कर दिया गड़बड़, मुझे क्या करना है, क्लिक फंक्शन और ये सेमी कॉलन, यहाँ इस फंक्शन के अंदर ये सारा कोड लिखना है, कौन सा, गेट वाला, कंट्रोल एक्स, इस फंक्शन के अंदर सारा ही कोड मैंने लिख दिया। तो जैसे यहाँ पे क्लिक होगा, एक जेक्वेरी अजाक्स मेथड चलेगी, जो कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, गेट मेथड को, वहां जो भी रिजल्ट आएगा इस न्यूज वाले आईडी पे आके लोड हो जाएगा। पर फिर अगेन कंसोल पे देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है अभी, अभी कोई एरर नहीं है, सर्च किया मैंने, ये देखिए वो तो गायब हुआ। अब गायब होने के बाद यहाँ पे क्या लोड हो रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ लोडिंग कुछ नहीं हो रही है, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, अगेन एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि दिख क्यों नहीं रहा है, कंसोल पे कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, news.html news.html news.txt लिख देता हूँ मैं, एज इट इज जो आया पूरा दिखा दो, html कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो फंक्शन आपको पढ़ाए थे, एक तो html और एक .txt, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गुड। देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल गया ना, तो समझ लीजिएगा कि आपको पार्सिंग की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ऑटो पार्स हो गया वो, ठीक है, जेक्वेरी ने क्या किया है, ऑटोमेटिकली उसे पार्स कर दिया, नहीं तो टेक्स्ट होता तो क्या लिखा होता, पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाता, जब लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप जरा इसका फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट क्या आ रहा है इसका, कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, तो एरे तो नहीं है, कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है, लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे काम का एक है जो क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल नाम का जो की है इसके अंदर सारे के सारे एरे हैं। अब यहीं से कहानी शुरुआत हो गई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, दैट मीन्स यू नेवर नीड टू नाउ पार्सिंग इन टू द ऑब्जेक्ट, अब पार्स करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, आप इस तरह से लिखते वेरिएबल न्यूज इक्वल टू, या जो भी वेरिएबल आपका होता, न्यूज इक्वल टू आपने ले लिया होता जेसन डॉट पार्स एंड रिजल्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, सपोज अगर पूरा का पूरा टेक्स्ट टाइप हो गया होता, तो मैं इसको पहले पार्स करता, देन यहाँ पर क्या लिखता न्यूज, यहाँ पे क्या लिखता न्यूज, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता ऐसा करने के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद ही तो लूप लगाना है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अगेन मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया मोदी और मैंने सर्च पे किया, अभी कुछ एरर आ गई होगी, क्योंकि पार्स के साथ स्ट्रिंग देना जरूरी है और वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है नहीं। ठीक है, देखिए अनएक्सपेक्टेड टोकन ओ इन जेसन पोजीशन वन, अच्छा जेसन पोजीशन वन, जेसन डॉट पार्स रिजल्ट हो, ठीक है,
ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपका जो डेटा है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पार्स नहीं किया जा सकता, सो दैट मीन्स यू नेवर नीड टू यूज द पार्स। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंगिफाई तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर वो है, अगर इट्स ऑब्जेक्ट देन वी कैन राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसको कर दिया, रिजल्ट को। ये भी देख लें, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, स्ट्रिंगिफाई कर दिया इस बार, अब देखते हैं स्ट्रिंगिफाई इज नॉट अ फंक्शन, स्ट्रिंगिफाई नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। मैं डबल श्योर होना चाह रहा हूँ कि वहां से ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा स्ट्रिंगिफाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और सारा ये देखिए सारा सारा आ गया स्ट्रिंग में, बिल्कुल आ गया, मतलब वहां से ऑब्जेक्ट आ रहा था, कन्फर्म है ऑब्जेक्ट, तो मुझे पार्स करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पार्स्ड है, अब मुझे उसे केवल सही ढंग से दिखाना है, ठीक है। तो स्ट्रिंगिफाई भी मैंने कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बताया आपको। अब देखिए एक्चुअली जो डेटा आ रहा है वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में डेटा है, तो हमने लिखा वेरिएबल आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहा है, आर्टिकल्स इक्वल टू रिजल्ट डॉट आर्टिकल। अब ये कहेंगे ये कहां से मिला, यही तो है मेन हमारा काम का। आप जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में करली ब्रैकेट शुरू, ऑब्जेक्ट है ये, अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है डॉट नोटेशन से यूज होंगी, तो डॉट स्टेटस करेंगे तो ओके मिलेगा, डॉट टोटल रिजल्ट करेंगे तो 707 जो भी मिले होगा वो मिलेगा, डॉट आर्टिकल्स करेंगे तो वी विल फाइंड एन एरे, डॉट आर्टिकल में करूंगा ये डॉट आर्टिकल्स, हाँ सॉरी आर्टिकल्स लिखूंगा तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ये एरे मिलने वाला है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दैट मीन्स पूरा का पूरा एरे मिलने वाला है, तो यही चीज हमने यहाँ पर यूज की डॉट आर्टिकल्स। ये डॉक्यूमेंटेशन पता चलेगा कि किस नाम से आ रहा था, रिजल्ट के अंदर आर्टिकल्स में सारे आर्टिकल आ गए, सारे मिल गए यहाँ। अब ये जो आर्टिकल्स आए हैं इन आर्टिकल्स के अंदर आप लूप लगा दीजिए, तो देखिए मैंने लगाया फॉर एक्स इन आर्टिकल्स, लूप शुरू हो गया। आर्टिकल्स के अंदर क्या आया, फिर देखिए आर्टिकल्स के अंदर इस एरे के अंदर अगेन आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं, एक एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें सारा एक न्यूज का डिस्क्रिप्शन, ऑथर टाइटल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, देन यूआरएल मिलेगा, देन उसके बाद दूसरा आर्टिकल 0 इंडेक्स पे, देन 1 इंडेक्स पे, हर एक इंडेक्स पर एक एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है आपको, हर एक इंडेक्स पर एक एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। बट अगर मैं अभी यहां सिर्फ लिखूंगा डॉलर हैश न्यूज, क्योंकि हमने उस जो रो बनाई हुई डिवीजन बनाया उसका नाम न्यूज है, तो न्यूज डॉट एच टी एम एल मैंने ब्रेक करके अगर सिर्फ x को प्रिंट किया तो x क्या प्रिंट होगा भाई, 0, 1, 2 प्रिंट होगा, जितने न्यूज हैं उन सबके सिर्फ आईडी प्रिंट होगी, क्योंकि न्यूज है, सॉरी ये क्या एरे है, और आपको पता है एरे पे अगर हम लूप चलाते हैं, इफ वी एग्जीक्यूट लूप इनसाइड द एरे वी ओनली गेट द इंडेक्स नंबर, हम केवल उसका इंडेक्स मिलने वाला है, तो देखिए 0 फिर 1 फिर 2 टोटल 19 है, 20 न्यूज है टोटल, तो एक के बाद दूसरा उसे क्या करता जा रहा है, ओवरराइट करता जा रहा है, क्योंकि हमने HTML लिखा अपेंड लिखा होता तो सारे कुछ आ गए होते, तो 0, 1, 2 आ रहा है, कुल मिला के बात ये है, तो इसको अपेंड करके दिखा दूं मैं आपको, तो अब 0, 1, 2 ये मुझे नहीं देखना है, उन 0, 1, 2 पर क्या है ये देखना है, देखिए नीचे आप देख रहे हैं 0, 1 अपेंड लिख दिया तो ये पहला वाला भी नहीं गायब हो रहा है, 0 से लेके 19 तक ये डेट मीन्स इन इंडेक्स पर डेटा है, बट उन इंडेक्स पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट है, उन इंडेक्स पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अगर मुझे उस डेटा को निकालना है तो हमने लिखा आर्टिकल्स में से हमने निकाला वेरिएबल आर्टिकल, आर्टिकल में से क्या निकाला आर्टिकल, और आर्टिकल में मैंने लिखा एक्स Articles of X. Articles, ये देखिए ये पूरा मैंने आर्टिकल निकाल के रखा था, ये वाला ये एरे था और इस एरे में X लिखा था, X पे दैट मीन पहली बार 0 इंडेक्स का डेटा आर्टिकल में आ गया, देन अगली बार 1 इंडेक्स का डेटा आर्टिकल में आ गया, देन नेक्स्ट इंडेक्स का, और ये जो आर्टिकल है
ये जो आर्टिकल है, अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, ये जो आर्टिकल आया जीरो इंडेक्स पर, वन इंडेक्स पर, उस पर क्या क्या मिला, डॉट ऑथर, डॉट टाइटल, डॉट डिस्क्रिप्शन, डॉट URL, डॉट URL टू इमेज, ये सारा डेटा मुझे मिला है, ये सारा डेटा मुझे मिला है। इस डेटा को मुझे अब डॉट डॉट करके दिखा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इस वाली लाइन के ऊपर लिख दूं मैं, यहां पर मैंने लिखा अपेंड x तो दिखाया प्लस, अब देखिए x दिखाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक चीज और की, सिर्फ टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं अभी, मैंने एक चीज और की कि मैंने x के साथ जो आर्टिकल मैंने निकाला था आर्टिकल डॉट, मैंने दे दिया टाइटल। देख रहा हूं कि टाइटल वहां तो दिखा रहा है डॉक्यूमेंटेशन, ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक्स पोजीशन पे जो भी इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट निकाल के लाए आप आर्टिकल नाम से, उस ऑब्जेक्ट का आपने क्या दिखाया, टाइटल, उसे डॉट करके डिस्क्रिप्शन, डॉट करके URL, डॉट करके इमेज, आप जो भी दिखाना चाहें आप पूरा दिखा सकते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ किस तरह से डेटा आने वाला है। तो देखिए मैंने लिखा जियो और हमने लिखा सर्च एंड रूट, ये देखिए सभी के आर्टिकल का टाइटल आना शुरू हो गया, दैट मीन्स हमारा काम हो रहा है। अब हमें इसको दिखाना है इस कार्ड के फॉर्मेट में, जितने भी डेटा आए हैं इस कार्ड के फॉर्मेट में मुझे दिखाना बेहतरीन ढंग से। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब देखिए इत्मीनान से कि कैसे करना है। ये जो कार्ड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो कार्ड लिखा हमने डिवीजन, इस कार्ड को काम करिए यहाँ से कर लीजिए कॉपी, या यहाँ से कर लेते हैं कट, पहले से कोई न्यूज़ तो दिखानी नहीं, कट किया कंट्रोल एक्स, खाली रहने दिया। और यहाँ जो मैंने अपेंड लिखा है, ठीक है, इस अपेंड में जाइए और उसे पेस्ट कर दीजिए। ये टाइटल वाइटल भी मैंने हटा दिया सर, अपेंड लिखा मैंने, अपेंड के बाद आपको लिखना डबल कोटेशन, सो डबल कोटेशन तो मैंने लिखा, अब आप यहाँ पर उसे क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो जितनी बार न्यूज चलेगी उतनी बार ये अपेंड होता जाएगा, उतनी बार अपेंड होता जाएगा, तो हर बार एक नया कॉलम अपेंड होगा। तो एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, चौथी बार चला अपेंड। देखिए और भी एक तरीका बता दूं, जो भी आपने वहां से कट किया हुआ है, जो भी आपने वहां से कट किया आर्टिकल आ गया, अब आपने पहले यहां पर वेरिएबल न्यूज का डिस्प्ले किसी भी नाम का बना लेता हूं मैं, वेरिएबल एस इक्वल टू एस, में सारा का सारा मैंने उसे पेस्ट किया जो मैंने कट किया था। देखिए यहां पर हमने किया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने का क्या हुआ कि जो भी वहां का स्ट्रक्चर था सब कुछ यहाँ आ गया, देखिए। लेकिन कोटेशन के अंदर कोटेशन काम नहीं करता है, तो एक काम करते हैं, बाहर वाले को मैंने सिंगल कोट में बदल दिया, लास्ट में जाकर सिंगल कोट लगा दिया। यहाँ पे डिफ खत्म हो रहा ना, यहाँ जहाँ पर डिफ खत्म हुआ होगा वहां डबल कोट लगा हुआ है, ये देखिए डबल कोट लगा हुआ है, ये मैंने पहले तो क्या किया सिंगल कोट किया ताकि सिंगल के अंदर डबल काम करेगा। प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे हाँ ये काम कर रहा है लेकिन जहां पर लाइन चेंज होगी वहां से गड़बड़ होगा। तो जहां जहां लाइन चेंज हो रही है वहां पे सिंपली आपको स्लैश लगा देना है, स्लैश मतलब कंटिन्यूएशन, अभी हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ स्लैश, ठीक है, स्लैश, ये सब प्रोग्रामिंग ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको, स्लैश लगा दिए, स्लैश इज अ कंटिन्यूएशन, दैट मीन ये मान लेगा सब कुछ सिंगल लाइन पे लिखा हुआ है, अदरवाइज स्लैश लगाने के बाद स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है। फिर मैं एंड पे गया, सब जगह लाइन के एंड पे जाइए और आप क्या लगा दीजिए स्लैश, सब जगह लाइन के एंड पे जाइए और आप स्लैश लगा दीजिए, और ये देखिए आपका डिवीजन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। स्ट्रक्चर तो बन गया कम से कम आपका, जो मैंने वहां से डेटा उठाया उसको मैंने यहाँ पर किसमें रख दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जो भी डिव था। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार अब ये डिव हमें बनाना, कितनी बार बनेगा, एस में आएगा डेटा और एस में जो भी डेटा आ रहा है, जो भी हो रहा है उसको अपेंड कर दीजिए, यहाँ पर अपेंड कर दिया मैंने एस, किसके अंदर, रो के अंदर। अभी एस में डेटा नहीं आ रहा, अभी सिर्फ देखेंगे डिवीजन रिपीट हो रहा कार्ड या नहीं हो रहा रिपीट, फिर मुझे ये देखना है। क्लास इक्वल टू कार्ड लिखा था और स्टाइल इक्वल टू विड्थ लिखी थी, अब देखिए विड्थ हटा दिया मैंने, मुझे ये देखना कि एक पेज पर कितने कार्ड दिखाना है। तो इसके लिए आप क्लास में डाल दीजिए कूल एंड कूल एमडी, देखिए अगर मैंने फोर लिख दिया तो चार चार कॉलम को मर्ज करके बनाएगा, दैट मीन तीन कॉलम बनेंगे। कूल एमडी थ्री लिखा, तीन तीन कॉलम मर्ज होंगे, दैट मीन एक पेज पे चार कॉलम आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 12, एक लाइन पर 12 कॉलम हो सकते हैं,
मैंने कॉल एमडी थ्री लिखा है तो दैट मीन्स तीन तीन कॉलम मर्ज होके टोटल चार कॉलम बन सकते हैं, तो मैंने ये लिखा। कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई न्यूज़ नहीं आएगी, बस यही अपने आप को रिपीट करेगा। सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको असाइन किया पूरे के पूरे कार्ड को एस में और एस को अपेंड कर दिया न्यूज़ में। देखिए जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो पूरा पूरा इकट्ठा बनाने की कोशिश ना करें, आप छोटी छोटी चीज़ें बनाते जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, फिर हम आगे बताएंगे ताकि एरर ट्रेस करने में आसानी। ये देखिए बहुत सारे कार्ड रिपीट हो गए, कार्ड रिपीट हो गए, दैट मीन्स हाँ जितनी बार न्यूज आ रही उतनी बार ही कार्ड रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे जहाँ पे कार्ड दिख रहा है जॉन डाओ, यहाँ पे मुझे टाइटल दिखा देना है, जहाँ पर सम एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन दिखा देना है, यहाँ पर जहाँ कार्ड इमेज दिख रही है यहाँ पे इमेज दिखा देनी न्यूज की। अब मुझे ये काम खुद से करना है यहाँ पर, ठीक है। और कोई थोड़ा सा अगर मुझे कार्ड भी बीच में स्पेस चाहिए या मार्जिन चाहिए, ये सारा सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ स्टाइल लगाकर। ये स्टाइल लगी हुई है ऑटोमेटिकली कार्ड में, स्टाइल इक्वल टू बोल्ड, स्टाइल इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बॉर्डर लिखा, यहाँ पे आप चाहें तो मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन 5 pixels इस तरह से अगर आपने दिया तो आप जब देखेंगे थोड़ा सा मार्जिन भी दिखा देगा चारों तरफ, कार्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तीन आ रहे हैं क्योंकि कॉल, क्योंकि चार आने चाहिए तो उसको गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। एक्चुअली जब मैं मर्ज किए हैं MD3 लिखा है, तो MD3 लिखा है तो दैट मीन्स कितने आने चाहिए, चार आने चाहिए। MD3 लिखा है और कॉल SM, अगर स्मॉल स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन है तो उसे पूरा ले लेने दो, और अगर कॉल LG स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है तो भी इसे 4 ही रहने दो, नहीं 3 रहने दो, तीन तीन कॉलम मर्ज करना। डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, इस हिसाब से अगर आप छोटी स्क्रीन होगी, मैंने LG भी लगा दिया, ओह अभी भी इतना ही ले रहा, अगर मेरे पास छोटी स्क्रीन कर दो इसको, ये देखिए छोटी एक एक आ गया, पूरा 12x12 कवर कर रहा है। और अगर मैं थोड़ा मीडियम साइज पे जाऊँ तो ये तीन कॉलम ही ले रहा है, आई नीड 4 columns। पर ठीक है अभी कॉलम पे नहीं उलझी, अभी कॉलम पे नहीं उलझना है, हमें अभी देखना है कि हमारी न्यूज कैसे आएगी। तो अब चलिए आखिरी स्टेप बचा हमारा, की बात स्टेप ये बचा कि जहां पर ये SRC, ये देखिए दिख रहा है SRC इमेज अवतार .png, यहाँ पर मुझे कौन सी इमेज चाहिए, मुझे चाहिए जो मेरे आर्टिकल में आ रही है इमेज, तो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, इमेज हटाया। SRC में देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, SRC में डबल कोट के अंदर ही आपको इमेज चाहिए होगी, सो डबल कोट के बाद मैंने यहाँ लिखा, ये सिंगल कोट यहाँ चालू था भाई, ठीक है, तो सिंगल कोट, इस डबल कोट के बाद मैंने सिंगल कोट लगा के इसे किया क्लोज, बंद किया एंड डॉलर क्यों, हमने क्या निकाला था, आर्टिकल ARTIC आर्टिकल डॉट। अब देखिए अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और ये देखिए URL to image लिखा हुआ है, इसको कॉपी करिए, URL to image, इमेज का URL निकालने के लिए ये वाला हमारे पास प्रॉपर्टी URL to image, यहाँ लिख दीजिए article.url to image, देखिएगा केस का कोई अंतर नहीं हो, अगेन सिंगल कोट चालू कर दीजिए, यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। देन आप यहाँ पे आ जाइए कार्ड टाइटल, ये जॉन डाउ लिखा हुआ है, ये नहीं चाहिए, तो देखिए अगेन सिंगल कोट खत्म करके प्लस लिखिए एंड आर्टिकल डॉट टाइटल, टाइटल के लिए अगेन चले जाइए डिस्क्रिप्शन पे और सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, देखिए टाइटल है, टाइटल दिखाना हो टाइटल दिखाइए, अगर ऑथर दिखाना है तो डॉट ऑथर भी लिख सकते हैं, देखिए मुझे जो जो दिखाना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, डॉट टाइटल प्लस वही सिंगल कोट वापस चालू कर दिया मैंने, अगेन यहाँ कार्ड टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को हटाना है और मुझे यहाँ दिखाना है डिस्क्रिप्शन, अगेन सिंगल कोटेशन खत्म प्लस आर्टिकल डॉट क्या था भाई, ये भी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और ये हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन प्लस सिंगल कोटेशन बन गया भाई, और टाइटल भी आ गया डिस्क्रिप्शन भी आ गया। डिस्क्रिप्शन चाहे तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग लगा के और कम कर सकते हैं। देन यहाँ जो लिखा बटन क्लास इक्वल टू HREF हैश लिखा है, मैं चाहूँ तो इस बटन पे क्लिक करें
तो इसके URL पे चले जाएं, सोर्स पे चले जाएं, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाए, देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा URL, तो डॉट URL अगर मैं कर दूं तो ये पहुंच जाएगा उस पर्टिकुलर URL पे जहां से न्यूज आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हटाया मैंने, सिंगल कोटेशन प्लस आर्टिकल डॉट URL प्लस सिंगल कोट फिनिश, मैसेज मैंने बदल दिया, मैसेज सी प्रोफाइल की को हटाकर मैंने लिख दिया व्यू न्यूज, ठीक है, या शो न्यूज, पूरी न्यूज आपको दिखानी है, शो न्यूज, बस कंप्लीट, कंप्लीट हो गया भाई, कुछ नहीं बचा अब इसके अलावा। तो देखें जरा, अब प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा। यहां पर मैंने लिखा जियो, जियो से रिलेटेड न्यूज मुझे देखनी है, मैंने किया पे क्लिक, ये देखिए लोड होनी शुरू हो गई फटाफट फटाफट, देख रहे हैं आप, इमेजेस भी आ रही हैं, न्यूज भी आ रही हैं, शो न्यूज पे अगर मैं क्लिक कर दूं कहीं पर तो ये पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे चला जाएगा जहां से न्यूज आई हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन पूरा देख सकते हैं, ठीक है, और आप बैक करेंगे तो आपकी साइट पे वापस पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बैक करने के बाद एक्चुअली दिक्कत हो रही है कि न्यूज यहाँ से गायब हो रही है, ठीक है, अभी उतना फोकस नहीं कर रहा उस पर, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि हमारा कंज्यूमिंग हो गई भाई। देखिए बिना किसी भी डेटाबेस को बनाए हुए, बिना किसी वेबसाइट पे जाए हुए हमने क्या निकाल लिया, तत्कालिक न्यूज हम देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ और किसी का सर्च करें भाई, हमने यहाँ पे लिखा सलमान खान, सलमान खान, ठीक है, सर्च और लोड न्यूज पे क्लिक किया। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करिएगा, आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, आप लोडिंग इमेज दिखाइएगा। एक दिक्कत और इसमें, जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जाके नीचे लोड हो जाएगा सलमान खान की न्यूज, ये देखिए बहुत सारा न्यूज यहाँ पे नीचे लोड हो रहा है, तो नीचे लोड नहीं करना बल्कि पुराना हटाना फिर से लोड करना है, ठीक है, पुराना हटाना देन इसे लोड करना है। तो एक लाइन और यहाँ पर ऐड करिए, तो जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो पुराने न्यूज हटा देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप शुरू होने से पहले, लूप शुरू होने से पहले डॉलर हैश रो डॉट एच टी एम एल क्या कर देना, एम्प्टी कर देना है। तो पहले उसे आपको रो नहीं तो न्यूज, उसका आईडी क्या लिया मैंने, न्यूज लिया है, ठीक है, न्यूज इज द आईडी ऑफ रो जहां पर हम लोड कर रहे हैं उसका आईडी है न्यूज, आप जो भी चाहे वो आईडी दे सकते हैं। मैं रिफ्रेश किया गया, यहां पर हमने लिख दिया सलमान खान, देखते हैं क्या आता है, इस तरह से देखिए कुछ कुछ न्यूज आ रही हैं, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे सर्च किया नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही न्यूज चल रही है भाई, ठीक है, सो न्यूज आर कमिंग फ्रॉम द सर्वर साइड यूजिंग REST API। तो ये हमने एक REST API कंज्यूम करना पूरा आपको समझा दिया है, बड़े इत्मीनान से आराम से इसको इम्प्लीमेंट करिए, पढ़िए, स्टडी करिए, खुद से करके देखिए, क्योंकि आगे मैं एक दो दिन अभी और कुछ एग्जांपल कराता रहूँगा, तो आपको एग्जांपल समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसका नोट्स और इसका एग्जाम्पल आपको सेंड करता हूँ, ओके।